अरे भोले बाबा जोगिया, अरे जोगिया हो, साधे राम भक्ति अनमोलिया। अच्छा बाबूजी, आप लोगन के बीच में एगो छोटी मोटी हम बिरहा गावत तनी, जीवन की बतावल जला पौराणिक कथा हमारे वंशावली यादव वंश और क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी के बारे में हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनकी पुराण में गाथा लिखल गई है और सदियों से चलत आवता। कहनाम है तो शुक्राचार्य सुता देवजानी, अरे विश्वकर्मा की शर्मिष्ठा गुड़ खानी, अरे संग में सखी सयानी, अरे नन्नी करत नहान। शुक्राचार्य एक लड़की रानी देव्यानी ने उनका नाम रहे, और दैत्यराज विश्वकर्मा जो उनकी उनका लड़की का नाम रहे शर्मिष्ठा, ये दोनों जानी सखी रहली। आ विश्वकर्मा का पुरोहित शुक्राचार्य जी रहला, दैत्यन का गुरु शुक्राचार्य जी रहला। वही समय ये लोग कोना पर पानी खींच के बल्टी से नहात हैं, दोनों जानी नंगी नहान करत हैं, स्नान करत हैं, और ताई समय एगो घटना घटल। कैसे भूमिका लाइन मास्टर, अरे छा रही क्या घटा ये घटा देख कर, अरे करती जल में कीड़ा जब कवल को पसारी, भटके भुवन बीच शंभु कहीं से उमा साथ आए है बन के मझारी, लज्जित हुई देख सखिया सयानी, बदन तन ढकन की हिन जब तैयारी, अरे गफलत में ज्ञानी शर्मिष्ठा देवजानी, आ दोनों किचन में बदल गई है सारी। वही समय भगवान भोलेनाथ रस्तवा से गुजरत हुआ, वही पदरवे उनहात है लोगन, अब भगवान भोलेनाथ के देख के लज्जित हो गई लोगन की के आ गई। ते ही समय जवन है शर्मिष्ठा देवजानी के सरिया पहले नी, आ देवजानी शर्मिष्ठा के सरिया पहले, दोनों जानी अपने में झगड़ा कर देहली। का बतावत थे धुन लगल मास्टर बाबूलाल भाई, अरे पिया पिया रटत रामा, एकदम निर्गुणी ढूंढ लगल है, अरे पिया पिया रटत पिया पिया रटत पियारा भैली रे देहिया, पिया पिया रटत रामा, अरे पिया मातला बाबा के आर पीरी तले भागल रे सखिया, पिया पिया रटत पियार भैली देहिया रे सखिया, भागल रे सखिया,
धुन रहल मगर संकेत बदे ई भाव लगल कवि जी लिखत मन भाव अपने में दुनिया ने का करत है लोगन सरिया पाई न दुनो लगी सी कुमारी यारे सखिया बोली है देव जानी तोरा पिता दचरा जावा देवयानी बताओ देंगे तू हमार कैसे साड़ी पहन लेलू हो तो के शर्म ना लगल है तू दैत्य का लड़की हो हमार पिता तोहरे कुल का महाराजा हो तोहरे कुल का पुरोहित हो ना और तू हमार कैसे शूद्र की छोकरी पहन लेलू तू हमार साड़ी तो देवजानी के बताओ दे शर्मिशा की तू हऊ कवन की ठीक हऊ बताओ थे वो अरे बोली शर्मिशा तोरे बाप मंगन जातिया घूमे दिन रतिया कोना में शर्मिष्ठा ठेल देनी देवयानी के वही कोना में गिर गई तका भैल लगली चिल्लाए जोर के हमार जान बचावा अपने शर्मिष्ठा भाग गई घरे अपने पिताजी किने जब घरे पहुंचली तो यही रास्तवा से के जात रहे इतने में ना उस लाला आईला जाया जाती इतने में नहुस लाल अइला जय जाति केहो यजाति कहला कोई जय जाति कहला खेला न शिकार बदे आए उता पाती सुन के ची घरिया देव जानी कहे पुकारिया रे सखिया अरे सुन के पुकारिया देव जानी का ची घरिया रे सखिया बादला देहल सर शरम नहीं आवे रे सखिया पकड़ना जय जाति जी पुकार जब ओ देवयानी के सुनलन त
ते साफा बताओ जला कि राजा महाराजा शरीर में अपने साफा हाथ में लगा के लपेटले रहना 5 मीटर को होला। वो 5 मीटर का साफा लटकौना वो करीब बाद उनके जाके हाथे पकड़ना भर शरीर पकड़ के लेके ऊपर अइलन। तब देवजानी उनकरा के बतावत है कि हमारे शरीर को अब आज तक ना छूले रहा, तू हमारे शरीर के छू देले हुआ। तोहके एक ठे काम करे के बा, तू हमारे साथे साथे तोहके के वो काम करे के बा। यही पर धुन लगल मास्टर। अरे चलली जवानी, अरे हमार मोरे राजा, अरे गवनवा ले जा, गवनवा ले जा, अगहन में भाव लगल। बोलत का है, बोलत का है वो बोली देवा जानी पुकार मोरे राजा, कहनावा माना, कहनावा माना बगिया में। संगवा में हमारे तू साथी रचाइला, दास शर्मिष्ठा के संग में लियाइला, शर्मिष्ठा के साथ में लेके दासी के रूप में हमारी संगे लेके चला और हमारी संगे तू शादी रचाला। सत्य के का कहनू जजाति राजा, सरत सकार लेके अइला भावनावा, चोरी चोरी दोनों से कई के राती दनवा, पांच पुत्र कैला तैयार मोरे राजा, अरे पांच पुत्र कैला तैयार मोरे राजा, कहनवा माना, कहना दासी बना के उनकरा के ले के जात हमन जेवन की विश्वकर्मा के लड़की शर्मिष्ठा रहले, उन्हों से बतियौलन और अपने बाबूजी से जाके वो बतावत हैं कि बाबू हो हम इनका साथे शादी करब, नहुस लाल जय जाति से और हमके विदा कर। दोनों जना बात के सहमत हो गई लन। विश्वकर्मा की लड़की शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य का लड़की देवयानी शादी हो गई। दासी बना के लेके गई लन नहुस लाल अपने राजमहल में। उनकर अलग से वो दासी का एगो घर रहे, वही में ले जाके उनकरा के बैठौलन। वो अलग रहनी, ये अलग अपने लेके रहे लगन देवयानी के।
तो उनहू से प्यार हो गई नहुस लाल जजाति के, जीवन की उनका नाम शर्मिष्ठा रहे, वो भी खूब सुंदर रहे। जब शादी के रूप में उनहू से चोरी चोरी शादी कर लेन, आई जन्मे ना कली देवयानी, और उनहू से लड़का पैदा भैल और देवयानी का भी लड़का पैदा भैल, जीवन की देवयानी का लड़का का नाम रहे यदु और तुवरसु, और शर्मिष्ठा के लड़का का नाम रहे द्रुहा अनुपुरु। घर से बहाना जाके पांचों लड़कवा और लड़कन के बीच में खेलत हुआ, अपने में झगड़ा झूड़ी कैले बड़ा, उनकर महतारी जात हैं बुलावे खातिर दिव्यानी अपने लड़कन के, तो लड़कवा अपने में खेलत हुआ, पूछली हूँ कि हमर लड़कवा के देखला आलोगन कहाँ, हम तीनों दोनों लड़कवा हमर कहाँ हम यदु तुवरसु, अनु से पूछत हुआ, पूछत हैं वो जब अनु बतावत हुआ कि तो लड़कवा एहरे खेलत हुआ जाऊ करा के लेके, तो दिव्यानी बताओ थी कि तोहर बाबू का क्या नाम है, अनु से पूछत है, अनु बताओ थे कि हमर बाबू का नाम है नहुस लाल जयजाति, उतर राजा हुआ, हाँ उहे हुआ हम अन का बाबू। तुरंत जाके शर्मिष्ठा से पूछनी देखनी कनी की शादी रचा ले हम बहुत बढ़िया गलती कैल, कोहना गैली, कोहना के का कैली, गैली अपने नैहर अपने बाबू किने पहुंच गैली, शुक्राचार्य से जाके बताओ थी कि बाबू जी ऐसा ऐसा बात है, इनहू के साथे शादी रचा ले, शादी कह के तीन गो लड़का भी पैदा कैल, तब का बताओ तू। अरे जान गए शुक्राचार्य इनकी नारानी, बारे काशी भाई दोनों काशी भाई, श्राप दिए बूढ़ा हो जखो के जवानी, जान गए ना कि हमर महारानी जी देवयानी अपने नैहर पहुंच गई, तब घोड़ा पर सवार होके वहां पहुंच गई लन, लियावे पदे कि उनकर बाबूजी बड़ा खुनसाहा हुआ, शराब उराब दे दी डहरिया में, अगर मिल जी तो लेके आ जाए, पहुंच गई ना घर, घरे पहुंच गई लहनी अपने शुक्राचार्य बाबू जी के यहाँ, जब पहुंच गई ना जाके देखत हुआ अपने बाबू जी से कुल हाल बतौली, तब वो बतावत हुआ शुक्राचार्य की जातो के हम शराब देते है कि तू अपन जवानी खो के वृद्धावस्था हो जा, अभी वही लगले वृद्धावस्था हो गईलन आ घरे लवट के अलन, आ लगना लचार हो गई अपने महारानी के भी लेके आवत हुआ देवयानी के समझा बुझा के, आ शर्मिष्ठा भी वाणी तो धुन लगल, एक थे भजन वाली धुन लगल, हमारे दिनेश भाई नया नया में गाना गौलन यही पर, अरे कहा था दिन लवटा दी तो घरो भैया, अरे तोहारो बड़का भैया नहुस लाल जजाति अपने यदु तुवरसु से और दुहा अनुपुरु से एक ही जगह पर टुरा के पांचों जना के बुला के पारा परी पूछत हुआ,
एगो बात पूछत मन कैसे राजा पुरुपास में जाके अरज लगवले हुए बतिया सभी बतवले हुए ना यदू से पूछत मन तू अरसू से भी पूछना बतिया कल कि बेटवा दोनों पांचों जना हमार लाल हुआ तोहनों लोग हमने के ई बताओ हमके कि हमार जवानी जवन है घट के श्राप के कारण शुक्राचार्य के हम वृद्धावस्था में हो गए हैं हमके जवन है अपन जवानी दे देता लोगन पांचों जना में कौनो जना तो महारानी है भाई नया नया है साथ में हम राजपाट करती अपने पैदा करती बेटवन के पुत्रन के और तो हम राजपाट करता राजा रहते इन नकार गए ना तो अपने छोटका लड़का पुरु के ने पहुंचे मन कह नाम है बेटा ढल गई मोर जवानी घर में बाड़ी दो रानी घर में तो जैसन शुक्राचार्य जी हमके श्राप सुनावले हुए बतिया अपन बतावले हुए ना बताओ थोन जजाति अपने पूर्व बेटवा से बेटा दे द जवानी आज दे लेला मोर बुढ़वती ताजले छोटका बेटवा जो पुरु रहना अपने बाबूजी से बताओ कि बाबू हो हम तैयार हैं एकदम का कैलन जबकि पिता बात टल जाए जबकि जग में नाता का रही जाए
के जवानी अपने माँ से भोग करौले हुए बतिया अपन बतौले हुए न जोन चार गो बेटवा रहो बेटवन के वो राजा जजाति अपने घर से हटा दलक कि हमारे घरे दुआरे रहा मत दिव्यादी के लड़का के जोन दोनों रहना या दू तुअर सु दोनों के बैला दहन और इन्होंने लोग के भी एक और हटा दहन के उतर समझा बुझा के शर्मिष्ठा करने के वो बेटवन के बुलावा ये हमन के बंसावली चली हमारे तीसरा लड़का तैयार भैल है बात के रखे खातिर तब ए तीनों घरे रहे लगलन आ ऐसे जो लड़का पैदा भैलन जवानी अपन लड़का जौन हुआ पूर्व राजा बन गई ना अपने जवानी दे दल अपने पिताजी के और बाद अपने राजपाठ वृद्धावस्था होके करे लगलन और नया पीढ़ी जन पैदा हुई उहे क्षत्रिय वंश बने जवन की बतावल गई आ जवन जौन यद्दू अतुअरसू रहा घर से बैलावल गईलन जाके घर गाँव में एहर उहर जाके घर द्वार बना के रहे लगल शादी ब्याह करके आ उन्हीं से जोन पैदा लड़का भनो यादव वंश भई लास्ट में कवि जी बतावत हुए एगो धुन लगल आरे पियावा मिलल बलाला मुंगावा देखे के सपनावा ए ननदी लगल का बताओ तो राजा लूटे सुखा चयनवा दिए बड़ दनवाए मितावा दिए तू राज को है घर से निकारी यदू से यादव वंश बनल जवन की हमनी को भली जान और यादव में जन्म लिए कुंवर कन्हैया जौन लड़का पैदा भैलन उनके शरीर से उस क्षत्रिय वंश के उत्पत्ति भैल राजा महाराजा बन गई और यदुवंशी यदु से यादव पैदा भैलन जौन की आज भी ए संसार में जाए हुए उम भगवान हमेशा जन्म लेलन और क्षत्रिय वंश में भगवान भी पैदा लेलन रामचंद्र जी जनमेजर भी पैदा भैलन लास्ट में बतायल गई लिखे संग राम भैला ब्याही ना से यादव दासी से भैल छत्री वंश सुना माधव धन्यवाद।